ये जो लोग क्रूरता से हमें तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इनके मंसूबों को हम तोड़ सकते। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है राजस्थान में। एक विधायक है या पता नहीं कौन है, क्या बयान दे रहे हैं कि हिंदू हैं हमें देते हैं और जो दूसरे हैं वो दूसरों को देते। मैं तो एमपी शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दावेदारी भी उनके खत्म करनी चाहिए। अगर कोई चुनाव आयोग है, हम ईवीएम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी लगातार विपक्षी दल इस पे चर्चा कर रही है कि ईवीएम में घोटाला है, कमी है, क्या है क्या नहीं, क्यों हाथ लगा रहा। लेकिन चुनाव आयोग तो आज भी काम है और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत धाराएं हैं। अगर चुनाव आयोग ये समझे कि समाज को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है, एक जाति या धर्म का विशेष का नाम लेके चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो ये आज भी संविधान के खिलाफ है। अगर आज भी कोई चुनाव आयोग काम है तो उसको, उस आदमी को ये संदेश मिलना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, चुनाव लड़ने लायक ये लोग नहीं। लेकिन दिक्कत ये पड़ रही है कि जो सबसे बड़े पद पे हैं वही जो भी चाहते हैं के बंटवारे, वही जो शमशान घाट की और उसकी बात करके, दिवाली और ईद की बात करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो नीचे तक वो बात जाएगी। पहले फकीर और योगियों से डरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज ऐसे फकीर और योगी आ गए, इनसे डर लगता है। तो हमें और आपको बचाव की जरूरत है, और ये खुशी की बात है कि जिस तरह से पहले हम एक दूसरे के काम आते थे, मैं मंच पर बैठा था, मैं सोच रहा था कि लोकदल की जो परंपरा रही, जो हमारी विचारधारा रही, जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच रही, वो ये थी कि हम किसान की बात करें।